ऐसा भी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर हिंदुस्तान के कोने कोने से अलग अलग एनजीओ जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आए, मालूम पड़ा कि हम अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो काम बड़े पैमाने पर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, ये सुनकर कि जो तालीमी मैदान में ज़कात के जरिए और वक्फ के ऊपर जो काम हो रहा है वो बहुत ही यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर अब्दुल कदीर खान साहब ने जिस तरह से ये एनजीओज को यहाँ पर जमा किया, ये एक बहुत बड़ा काम है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस और ये शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इन दोनों ने जो दो दिन की बीदर में कॉन्फ्रेंस की है ज़कात और औकाफ के ऊपर, तो ये एक मौका है जिसमें कि बहुत से नुक्ते, फाइनल एलिमेंट्स ऑफ बोथ ज़कात और औकाफ उनके सामने आए, देखने में बहुत से मिले, बहुत सी नई बातें मालूम हुई। बहुत से मुल्क में जगह जगह एनजीओज और इंडिविजुअल्स बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में मालूमात हुई। आई एम श्योर ये एक बहुत अच्छा मौका है एक दूसरे से मिल जाने का और एक दूसरे के काम आने का, तो इससे डेफिनेटली एक और एक 11 हो जाते हैं, तो उससे मिल्लत इंशाल्लाह उसको ऊंचा उठने में बहुत मदद मिलेगी। आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द इंटरेक्शन एंड द आउटपुट एंड द वे दैट पीपल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ऑल ओवर इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी। So I would say that it should continue with this kind of networking, and my appreciation goes to Kadir Saab of Shaheen Group of Educational Institutions, which has really taken extra effort, and I feel that this will definitely be a role model to many communities. और इस लायक बनाया कि मैं इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में जो चारों तरफ से पूरे मुल्क से दीन और मिल्लत इंसानियत की खिदमत गुजार रहे हैं उसमें हाजिर हो सकूँ। मैं यहाँ ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ वो आए हैं जो पहले से काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ तकसीम करेंगे और इंशाल्लाह एक और एक 11 के बजाय एक 11 करोड़ बनेंगे और इंशाल्लाह ये कामयाब तरीन नतीजों तक पहुंचेगी। अभी तो ये आगाज़ हम रहे, लेकिन यहाँ आके मालूम हुआ कि ज़कात का इस्तेमाल और औकाफ के वेल्थ का इस्तेमाल जो है वो कई जगह बहुत अच्छे अंदाज में हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, भारत के बाहर भी कई मुल्कों में हो रहा है। उनकी एक्सपीरियंसेस हमारे सामने आए, उनके एक्सपीरियंस हमारे सामने आए, और इससे उम्मीद बनती है कि ये दोनों ऐसी बड़ी एसेट्स हैं जो मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ी असर साबित हो सकती है। उस सबका कैसे इस्तेमाल किया जाए दुनिया से गुरबत के खात्मे के लिए, तो ये बड़ी उम्मीद लेकर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। बड़ी खुशी इस बात की हुई कि यहाँ आने के बाद हमको वक्फ और ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा लगा और इस बात का इल्म भी हुआ कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी मुसलमानों के अंदर अवेयरनेस की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बेहतरीन हासिल ये होगा कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारान किसी तरीके से इस मुल्क के हर मुसलमान तक सोशल मीडिया के ज़रिए ज़कात और वक्फ की अहमियत को बताएं। बाकी बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियंस भी दिए हैं, बहुत सारी लंबी गुफ्तगू यहाँ पर हुई है और मुझे यहाँ पर आकर ये बड़ी खुशी इस बात की हुई कि बहुत सक्सेस मॉडल दोनों भी ज़कात के भी और वक्फ के यहाँ पर सुनने और देखने को मिले हैं और इंशाल्लाह ये बहुत बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क की गिर सतह पर हो सकते हैं। मुझे आखिर में सब तमाम ऑर्गेनाइज़र्स का शुक्रिया अदा करते हुए इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। वाकई अल्लाह की रहमत इस पर बरसी है। पिछले दो दिन का तजुर्बा ये रहा कि बहुत कुछ सीख के हम यहाँ से जा रहे हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर पूरी हो रही हैं, इसका हमें देख कर बहुत खुशी महसूस हुई। अल्लाह इस काम में और बरकत दे, यही नेक ख्वाहिशात के साथ हम यहाँ से रवाना होंगे। और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की, मेरे ख्याल से हमने जो हमारी उम्मीद थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, ये उससे भी ज़्यादा कामयाब रही। मुल्क के इसमें अच्छे सीनियर उलमा और दानिशवरान ने शिरकत की और हमें औकाफ के तहफ़ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए और उससे क्या वसाइल पैदा हो सकते हैं, न सिर्फ गरीबों के लिए बल्कि तालीमी इदारों के लिए और दूसरे सोशल जनरल वेलफेयर के लिए, उसे समझने में बहुत मदद मिली। इंशाल्लाह हम इस पर आगे भी काम करेंगे।